शादी वाले घर में मैं आई हुई हूँ जयपुर में, और आज मैं आपको दिखाती हूँ सुबह की शुरुआत होती है हमारी चाय से। और ये है शादी का वेन्यू। ये हेलो मामा जी, ये इन लोगों को आप सब पहले से जानते होंगे, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हालांकि मैं नॉर्थ अब आई हूँ इतने दिनों बाद, यहाँ पे सब शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये मेरे बड़े मामा जी जो सबको सुबह 4 बजे उठा देते हैं, आप सब हमारा चेहरा देख के समझ सकते हैं। और यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रही हैं आज फंक्शन की। कल यहाँ पे हल्दी हुई है। और आज क्या है मैम फंक्शन? आज संगीत है और मेहंदी है। आज संगीत है और मेहंदी है। और यहाँ पे आप एक डॉल का ये देख सकते हैं। और ये शायद आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, गुलशन भी आप बता सकते हैं उसके बारे में। ये इसको बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली, हाँ, कठपुतली का खेल ये राजस्थान की फेमस कलाकृति है जो कि केवल राजस्थान में पाई जाती है। आपको अगर इस कलाकृति के बारे में जानना हो तो ये गुलशन सर हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। ये मेरे भाई, और आप में से काफ़ी लोगों ने इनको YouTube पे देखा भी होगा और काफ़ी इंस्टा पे भी इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? बेसिकली मेरा नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, गुलशन सनी, और मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, और बाकी इन्हीं के अंडर में काम करता है। हम दोनों भाई बहन ऐसे ही काम करते रहते हैं बचपन से। हम लोग पढ़ाई में एक दूसरे से गाइडलाइंस लेते थे और अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से गाइडलाइंस लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये घर है। एक्चुअली ये इनका पूरा घर है जहाँ पे आउटसाइड में इन्होंने ये सारी प्रिपरेशन की है। शादी यहाँ पर नहीं है, शादी बाहर है, लेकिन जो हमारे फंक्शन होते हैं हल्दी, मेहंदी, संगीत, उस सब के लिए ये सारा प्रिपरेशन है। और ये इनका गार्डन है, और ये हमारे ब्राइड एंड ग्रूम का फोटो है। ये सब एंट्रेंस पर है, मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाती हूँ घर का। अब मैं आपको दिखाती हूँ घर के अंदर शादी में क्या क्या हो रहा है। ये जैसे बच्चों के आप शोर सुन रहे हैं ना, ये शादियों के घरों में बहुत कॉमन है। और शादी के घर में सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है, आपको मैं वो दिखाती हूँ। वैसे तो आप सबने खुद अपने घरों में शादियाँ की होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन है, क्योंकि आज जो हम शादी में आए हैं वो है राजस्थान की वेडिंग, और ये हैं ब्राइड। इनको आप सबने मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो में भी देखा होगा, कौन सी वीडियो थी जिसमें इन्होंने रंगोली बनाई थी दिवाली वीडियो में, और जो दिवाली की आप सबने वीडियोस देखी थी वो सब इन्होंने ही बनाई थी। और आपको मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने थैंक यू भी बोला था कल्चर दिखाने के लिए, थैंक यू। तो आप अपनी वेडिंग के बारे में कुछ बताएंगी, क्या है, कैसे प्लानिंग चल रही है? कल मेरी हल्दी है, और हमारे यहाँ पर कलावा बांधा जाता है, इसको छुपा के रखा जाता है, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा शो करती हूँ। इसको छुपा के रखते हैं, इसको ओपन नहीं करते, इसको ओपन नहीं रखते हैं। इसको कब ओपन होता है? ये शादी के बाद ओपन होता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें इसमें चक्कू होता है, इसमें पोटली होती है, और इसमें इस तरीके से सब कुछ होता है, लेकिन इसको छुपाया जाता है ताकि नज़र ना लगे, किसी को पता ना चले ये ब्राइड है। आप लोगों को पता है वैसे नज़र के बारे में, केरला में ऐसा मानते हैं क्या? यहाँ पर होता है ऐसा। और ब्राइड, एक्चुअली ब्राइड आपको काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट दिखेंगी, ये पूरे टाइम ऐसे ही रह रही हैं। हाँ, इन्होंने राजस्थान की मेहंदी बहुत फेमस है, और मैं अभी आपको इनकी मेहंदी दिखाऊंगी। इनकी जो मेहंदी है ना, वो राजस्थानी एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं मिस्टर अशोक, उन्होंने लगाई है। और यहाँ की मेहंदी की कल्चर आप थोड़ा बताएंगी, यहाँ के मेहंदी के कल्चर के बारे में? यहाँ की मेहंदी का कल्चर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर लाइक राजस्थानी थीम बनाई जाती है और समथिंग, और यहाँ पर जो राजपूत थे, राजपूताना थे ना, उनकी वजह से यहाँ पर वो शहनाई टाइप में और राजा महाराजों की थीम और चुन्नी वगैरह और सब, क्योंकि ये शुभ माना जाता है यहाँ पर। और आज आपका मेहंदी फंक्शन भी है, आज हम इनका मेहंदी पूरा फंक्शन देखेंगे कैसे यहाँ पे मेहंदी लगाई जाती है। अभी टाइम एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर जयपुर में अभी हम लोग राजस्थान में, तो यहाँ पर ठंड है, आप सब देख सकते हैं। हम लोगों ने, मैंने स्वेटर पहन रखा है, उन्होंने शॉल डाल रखा है,
तो यहाँ पे सर्दी है इस वजह से खास करके ब्राइड बेचारी जो होती है काफी बोलना पड़ता है लोगों से, तो बहुत थकान होती है, बहुत, शी इज वेरी मच टायर्ड, सो वॉट टू डू, बट एनी वे मैं मलयालम में इनको बोलूंगी अडिपोली लाइक वेरी एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो अभी हम इनकी पूरी शादी कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ये इनका मंदिर है और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऐसी चीज जो हर शादी के घर में बहुत कॉमन होती है। भाई आवाज कम करो, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सब क्या कर रहे हैं अभी? डांस की प्रैक्टिस। डांस की प्रैक्टिस किस फंक्शन के लिए हो रही है बेसिकली? संगीत का डांस तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी संगीत होता है वो टोटली प्री प्लान्ड होता है, जिसमें ये लोग, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा ग्लिम्स, में गाना नहीं डाल सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब पैसे नहीं देता फिर। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी, आज इनके दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है आप बताएंगे? मेहंदी और संगीत। तो मेहंदी तो आप बता चुके हैं शाहरुख कैसे होती है, संगीत कैसे होता है, संगीत क्या होता है वो थोड़ा बताइए। संगीत में हम सब डांस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और सब लोग परफॉर्मेंस करते हैं। और आज एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं चाक भात, जिसमें मामा जो होते हैं वो हमको दुल्हन, मामा मीन्स हर मदर्स ब्रदर, दे आर कॉल्ड एज मामा। तो वो हमें कपड़े पहनाते हैं और चाक होता है जिसमें जितनी भी लेडीज होती हैं वो बाहर जाके पूजा करती हैं। तो वो भी हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। टोटल नॉर्थ इंडियन वेडिंग कैसी होती है, हमने एक साउथ इंडियन वेडिंग कवर की थी, अब हम एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग कवर करेंगे। यहाँ पे आप ये सब जो देख रहे हैं, जो पीछे आप आर्ट देख रहे हैं ना, वो सब इन्होंने बनाया, शी इज एक्चुअली अ आर्टिस्ट। तो इस घर में आपको जितनी भी आर्ट दिखेंगी, लाइक ये जो वॉल है, और अभी मैं इनकी, क्योंकि बिजी ज़्यादा है, वरना हम लोग बाद में इनसे बोलेंगे अपनी सारी आर्ट्स दिखाओ, शी इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट ऑल्सो। तो अब इनकी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। आपको मिलाती हूँ मेरी मामी जी से, जो भाग रही है इस वजह से, क्योंकि जब तक गर्ल्स रेडी ना हो ना, उनकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैं आप सबको फिर भी दिखाऊंगी रियलिटी, क्योंकि मेरे ब्लॉग में सारी चीज रियल होती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मिलाती हूँ मेरी छोटी मामी जी से। ये इसलिए भाग रही थी क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चों की वजह से लेडीज खुद पे ध्यान नहीं दे पाती इस वजह से। और मैं आपको एक और मामी जी से मिलाती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरे घर की सबसे स्पेशल लेडीज से, उनके, उनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो डांटती हैं बहुत। हाय मौसी। हाय। ये मेरी मम्मी से ज़्यादा हैं क्योंकि ये मुझे इतना मारती हैं, जबकि एयरपोर्ट से उतरते ही मैंने सबसे पहले थप्पड़ खाया था, उसके बाद नमस्ते किया था। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, और आप देखते रहिएगा, आपको इस ब्लॉग में पता चलता रहेगा मेरे घर पर कौन कैसा है। अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी मामी जी से। हाय मामी जी। Hi. आप कैसी हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये मेरी मामी जी हैं, मैं अलीगढ़ में रहती थी तो मेरी मामी जी भी अलीगढ़ में थी, तो आए दिन मैं इनके हाथ का डिलीशियस खाना खाती थी, इतना अच्छा खाना बनाती हैं ये। आपको नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो मेरी मामी जी से कांटेक्ट कीजिए, आपका इंस्पिरेशन बताएंगे आप इतना अच्छा खाना। शी इज ऑलवेज वेलकमिंग, आप इनके घर में चले जाइए कभी भी, इन्होंने कुछ बनाया भी नहीं होगा ना, ये 5 मिनट में आपको फुल प्लेट, मतलब पेट भर देंगी आपका, वो भी गुड फूड के साथ। ये इनकी स्पेशलिटी है, और इनको केरला देखने का बहुत मन है, मेरी दोनों मामी जियों का और मेरी मौसी का। तो आप सब इनको इन्वाइट कीजिए ना केरला में, ताकि ये भी आए और आपका कल्चर देखें।